नवकार सिस्टम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रियल टाइम C101 प्लस मॉडल, जिसमें कि हम बताएंगे कि इसमें कैसे हम नेम ऐड करते हैं। यहाँ पर हम मेन्यू के बटन में जाते हैं और यहाँ हम यूज़र में जाते हैं ऐड के अंदर, और यहाँ पर हमने एनरोल में जा रहे हैं। यहाँ हम यूज़र नेम पे आते हैं। अब यहाँ हम ओके करते हैं तो फिंगर में जाता है, तो हमें ये नहीं करना, हम वापस बैक आ जाते हैं। हम यहाँ नेम में दोबारा आते हैं। अब ये लिखा है, देखिए मेन्यू में T9 इनपुट लिखा है, T9 इनपुट लिखा है, तो हम यहाँ मेन्यू का बटन दबाएंगे। अभी मेन्यू का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ गई है ABC। मान लीजिए ये देखिए, मैं यहाँ पर पावर का बटन दबा रहा हूँ। पावर का बटन दबाने से ऑप्शंस चेंज हो रही हैं, ABC या 1 2 3 या स्पेशल कैरेक्टर्स या कैपिटल ABC 1 2 3। तो ये इस तरीके से हम स्विच कर सकते हैं। मुझे नेम लिखना है, मुझे अपना नाम लिखना है मौलिक M, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर मैं O, फिर L, I, फिर K, इस तरीके से मैं नाम लिख सकता हूँ। कैप्स में लिखना है, अब मुझे मान लीजिए इसको इरेज करना है, तो ये मैं इरेज कर पा रहा हूँ। अब अगर मुझे कैप्स में लिखना है तो मैं वापस यहाँ से पावर के बटन पे जाता हूँ और ए को मुझे कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, मेन्यू, बैकस्पेस, पावर, IME स्विच। तो मेन्यू के बटन से तो हम बैकस्पेस का काम कर रहे हैं और पावर के बटन से हम IME स्विच कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो अगर हमें इसको कैप्स में लिखना है तो कैप्स में लिखने का ऑप्शन कैसे होगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पावर को हम इसको बेसिकली हम यहाँ पर पावर के बटन से स्विच तो कर पा रहे हैं, पर हम मतलब कैप्स में नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नेम टाइप कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो ये नेम हमारा यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद हम ओके करके अपना यहाँ पर जो भी हमें फिंगर ऐड करनी है, कार्ड लगाना है, पासवर्ड लगाना है, वो हम ऐड कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसमें नेम ऐड किया जा सकता है। धन्यवाद।